दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सिंह डिजिटल इंडिया में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, क्योंकि आज मेरे एक वीडियो पर 1 लाख व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपसे ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने चैनल के लिए एक बेहतरीन लोगो कैसे बनाएं। लोगो जो है वो आपके ब्रांड की पहचान होती है। लोगो से ही किसी भी वीडियो में आपके लोगो को देख कर ही लोग आपको पहचानते हैं, या तो आपके चैनल का नीचे नाम पढ़ेंगे या तो आपके लोगों को ही देखकर समझ जाएंगे कि यह वीडियो किसने बनाई है और पहले भी मैंने इसकी वीडियो देखी है या नहीं देखी है। तो लोगों का अच्छा होना लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आपके वीडियो को एक ब्रांडिंग मिलती है, एक पहचान मिलती है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि अपने लिए एक बेहतरीन लोगो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों लोगो बनाने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे दिया हुआ है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और नॉर्मली जितने यूट्यूबर्स हैं यही ऐप्स यूज़ करते हैं, पिक्सल आर्ट, पिक्सल लैब और बैकग्राउंड इरेजर। कुछ टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसका लिंक भी मैंने आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं लोगो बनाना। दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको, पिक्सल लैब, बैकग्राउंड इरेजर या फिर पिक्सआर्ट, इन एप्लीकेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये आप प्ले स्टोर में जाकर आपको केवल टाइप करना है पिक्सल लैब। ये आपके सामने आ जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं पिक्सल लैब पर। जैसे ही आप पिक्सल लैब पर क्लिक करेंगे आपको एक टेम्पलेट मिलेगा। इस टेम्पलेट का आप साइज चेंज कर लीजिए। लोगो बनाने के लिए आपको लेना होगा एक स्क्वायर साइज का, ये स्क्वायर सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपका स्क्वायर साइज का टेम्पलेट जो है वो रेडी है। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में जाकर इसको एडिट कर लेंगे और जो भी आपके चैनल का नाम है, मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल प्रकाश या सिंह डिजिटल इंडिया, तो मैंने HD ले लिया इसके लिए। ये मैं केवल सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से ये सेंटर में लाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये बीचों बीच आ चुका है, इसका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से कलर चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, और ब्लैक कलर ले लेंगे। इसके बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसको फिर से सेंटर में ले आएंगे। इसके बाद बारी आती है इसको फॉन्ट यूज़ करने की। तो फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ये अलग से फॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है, जिसका मैंने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सुविधा के लिए दे दिया है। तो ये फॉन्ट मैंने यूज़ कर लिया। इसके बाद शेप इसमें ले लेंगे राउंड शेप, और इसकी ओपेसिटी पूरी लॉक कर देंगे, स्ट्रोक वेट को बढ़ा लेंगे से कम में 30-32 तक, और इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये होने के बाद आपको करना है अब इनको मर्ज, दोनों को ये हमने इसे मर्ज कर दिया। अब इस पे डालेंगे टेक्सचर, टेक्सचर ये कॉपर, इसका कॉपर जो टेक्सचर है इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसे आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। हो
गया आपका सेव शैडो। एडजस्ट कर लेंगे इसको। फिर एक टेम्पलेट लेंगे इसके लिए और आप देख सकते हैं आपका लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। दोस्तों लोगो रेडी हो जाने के बाद अब इसे गैलरी में हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव आप अल्ट्रा मोड पे कीजिए, इससे पिक्चर बेहतरीन आती है। सेव टू गैलरी, ये हमने सेव कर लिया इसे। ये देखिए ये आपका लोगो जो है बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको